नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो अभी भी आई है बेहद बुरी खबर सोनीपत जिले से। सोनीपत में हुआ है रोडवेज बस की यहां पर एक्सीडेंट, जिसमें से 15 यात्री अस्पताल चले गए। इस वक्त की बेहद बुरी खबर है, सोनीपत में हुआ है भयंकर एक्सीडेंट। ऑटो को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई अनियंत्रित रोडवेज बस। तो वहीं 15 से ज़्यादा जो सवारियां थीं वो अभी भी अस्पताल चली गई हैं, जबकि इस बस में लगभग 55 सवारियां मौजूद थीं। तो आनन फानन यहां पर सभी को निकाला गया है। इस वक्त की बेहद बुरी खबर है। तो गोहाना से सवारियां लेकर खरखौदा जा रही रोडवेज बस गुरुवार सुबह गांव कटवाल के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस में सवार लगभग 15 यात्री को यहां पर चोटें आई हैं। हादसा ऑटो को बचाने के चक्कर में हुआ है। घायलों में कुछ को नागरिक अस्पताल गोहाना, कुछ तो नज़दीकी निजी अस्पताल ले जाया गया है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। तो ये बस जा रही थी खरखौदा, तो यहाँ पर बता दें कि ऑटो के बचाने के चक्कर में प्रयास में बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे उतर गई और पेड़ से टकराते हुए खंभे के सहारे अटक गई। इस हादसे में बस में सवार 55 सवारियों में 15 को मामूली चोटें देखने को मिली हैं। तो एक बार फिर से बेहद बुरी खबर आ रही है इस वक्त की। इस वीडियो में इतनी जानकारी, धन्यवाद।